अपने क्या है कि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि हीरोइन एक ही है, वॉइस अलग अलग है, आज ऐसा चल रहा है। उसका रीज़न कई रीज़न है, क्योंकि आज देखो कितना हलचल हो गया, चारों ओर सब बहुत फास्ट हो गया। कभी तबीयत खराब रहता है तो किसी और की आवाज़ में होगा, कभी तबीयत ठीक है तो किसी और की आवाज़ में होगा, कभी खुशी हुआ तो कभी और की आवाज़ में होगा, किसी कभी गम हुआ तो किसी और की आवाज़ में होगा। बहुत डीपली, मतलब बहुत डीपली सोचते हैं आजकल का डायरेक्टर जो है। सो ये एक मजाक बन के रह गया आज के ज़माने में। आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? दूसरी चीज़ें मैं सुन रहा था, लिरिक्स को लेके काफी जो पुराने किसी सिंगर भी हालत हैं, पे, किसी भी हालत पे एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल आप नहीं कैसा है। लगता है आपको जो पहले के गाने आपकी आशिकी के जब गाने थे? आप सही कह रहे हैं, वो गाने आज तक लोगों को याद है, मेलेडी, लिरिक्स, आवाज़। और उसके बाद आज की आशिकी आई, उसके भी गाने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सुपरहिट हुए हैं, लेकिन कई फिल्मों के गाने ऐसे हैं जो लिरिक्स भी फील किया, ये क्या हो रहा है? आपको कैसा लगता है जब आप इस दौर के गानों को सुनते हैं? कुछ गाने आपको शायद मुझे मुश्किल इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता। ये जो वल्गर वर्ड्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो चीज़ हम दोस्तों में बात करते हैं, जो चीज़ हम घर में छुप छुप के करते हैं, वो सब चीज़ बाहर लोगों के सामने, कितना अच्छी बात है ये। मैं इस चीज़ को किसी भी हालत पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। म्यूजिकली अगर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, म्यूजिकली चेंज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, म्यूजिकली चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक को चोरी करके हो, जो कुछ भी हो, चलो एक्सेप्टेबल। लेकिन लिरिकली जो वल्गरिटी, विजुअली एंड लिरिकली जो चीज़ शुरू हो गया अभी, इसमें ये डायरेक्टर या समहाउ हीरोज ऑल्सो सबका इंटरफेरेंस होता है। वो बोलता है कुछ ऐसा गाना दीजिए ना जिसमें पब्लिक के रोंगटे खड़े हो जाए और खुद खड़े हो जाए। तो अभी पता नहीं वो क्या क्या बोलना चाह रहा है उसमें, बट ये जो इंटरफेरेंस के वजह से ये नेक्स्ट जेनरेशन या बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे, हर एक का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग क्या गाना सुन के बड़े हो रहे हैं और क्या गाना सुन के ये बड़े जब होंगे, अब जब रास्ते में जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है कि 12 साल की उम्र में कोई लड़की को आप घर में बांध के रख सकते हो इस तरह के गीत अगर सुनते रहेंगे। और 12 साल के लड़का को भी आप रोक नहीं सकते हो वो कुकाम करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको रोकना चाहिए। लिरिक्स के बारे में मैं किसी भी हालत पे एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लिरिक्स को पावरफुल करना ही पड़ेगा, भले म्यूजिक में जो चल रहा है वो चलने दो, नो प्रॉब्लम, बट लिरिकली ये पावरफुल होना चाहिए। एक मैसेज सोसाइटी में जाता है, एक पोल्यूशन सोसाइटी में फैल रहा है, जिसका असर हम सारे इंडिया का जो टेलीविजन चैनल खोलने से, जो न्यूज़ चैनल खोलने से जो दिखता है हमको रोज का। आपको लगता हाँ है? आई थिंक आप दोनों का ही गाना था। हाँ एंड व्हाई डोंट यू सिंग दैट सॉन्ग, दो लाइनें इसकी। अच्छा, रस्ते से जा रहा था, आपने बात की तो रस्ते से जा रहा था। तो आप लोग आपने हमें गाने की बात इसलिए की ताकि हमको गाने को बोल सकें? नहीं बात इन्होंने शुरू की नहीं रस्ते, नहीं आज ताकि तो आप लोग हमको प्रोग्राम करने के लिए लाए हैं यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, शो आज भी हो रहा है, उस दिन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना ऐसा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको धक्का लगा तो। अच्छा सॉरी, धक्का की जगह मिट किया गया। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रही थी बा 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 बा। मैं तो आइसक्रीम खा रही बा थी, बा 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 बा। मैं तो नैना लड़ा रही थी, बा 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 बा। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, ओ तेरी नानी मरी तो मर जाने दो।